किसान आगू राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार ते निशाना साध्या है। राकेश टिकैत ने कहा कि कारपोरेट घराने सरकार चला रहे ने, खेती कानून रद्द करवाए बिना पीछे नहीं हटांगे। इस गल का भी राकेश टिकैत ने जिक्र किया। 5 सितंबर तो मिशन यूपी का आगाज करांगे। देश का किसान सियासत विच नहीं आना चाहुंदा, जे असी खालिस्तानी तो केंद्र सरकार तालिबानी। दस दें कि लगातार खेती कानून लेके किसानी अंदोलन जारी है, ते हुण एक बार मुड़ तो किसान आगू राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार ते निशाना साध्या है। उन्हां कहा कि कारपोरेट घराने सरकार चला रहे ने, खेती कानून रद्द करवाए बिना पिछे नहीं हटांगे। राकेश टिकैत चंडीगढ़ पहुंचे ने, किसानों के रूबरू हो रहे ने। टिकैत साहब, हाँ जी, 9 महीने बीत गए हैं, 600 किसान शहीद हो गए हैं, लगता है कि सरकार अब आपकी बात सुनने वाली है। देखो, सरकार ने ये कहा था कि इस आंदोलन में 1000 से ज्यादा लोग मारे जाएंगे, तो शायद ये हो कि जब 1000 से ज्यादा लोग इस आंदोलन में मारे जाएं, शहीद हो या पुलिस गोली से मारे जाएं, तो जब वे बातचीत करें आंदोलन की समाप्ति हो। लगता है सरकार 1000 आदमी मरने का, किसान के शहीद होने के इंतजार में है। ये उस टाइम पे उनकी रिपोर्टें थी कि इस आंदोलन को हम अगर हटाएंगे तो इसमें 1000 से 1500 लोग इस आंदोलन में मारे जाएंगे। वो तब की थी जब हटाने की बात हो रही थी, अब आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से हम काम नहीं कर रहे, शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, चल रहा था, चलेगा और चलता रहेगा जब तक सरकार 3 काले कानून वापसी नहीं लेगी, MSP पे गारंटी कानून नहीं बनाएगी। देश को बिकने से बचाना है तो आंदोलन करने पड़ेंगे। आप पर बड़ा इल्जाम लगा रही है बीजेपी। बीजेपी कह रही है कि राकेश टिकैत तो दूसरी पार्टियों को फायदा पहुंचाना चाहते, इसलिए मिशन यूपी शुरू करने जा रहे हैं। अरे आप बढ़ाओ ने, आप गन्ने के रेट बढ़ाओ, आप फसलों के दाम बढ़ाओ, 2022 में फसलों के रेट दुगने करो, तो हम तो भाई थारा धन्यवाद कर देंगे। कब कर रहे हैं मिशन यूपी? अरे मिशन यूपी तो चल ही रहा है, वे गांव में जाएंगे तो उन्हें बताएंगे मिशन यूपी क्या है। बड़ा ऐलान कब होने जा रहा है मिशन यूपी को लेकर? वो कह रहे हैं कि 5 तारीख में बड़ी एक पंचायत है, तो वहाँ से कोई रास्ता लगता है कि सरकार से बातचीत हो पाएगी? कोई रास्ता ऐसा आपको नजर आता है? देखो, बातचीत तो सरकार को करनी पड़ेगी, वो आज कर लें या अगले महीने में कर लें। कोई नेगोशिएशन की संभावना लग रही है? कोई अभी तो नहीं। कोई बिल्कुल उसी मांग पर 3 कानून रद्द हो और MSP पर कानून। राकेश टिकैत जिन्होंने कहा कि जिन्ना समाज सरकार वालों 3 कानून रद्द नहीं होंगे और MSP से कानूनी गारंटी नहीं मिलती, उन्ना समा सा अंदोलन जारी रहेगा। कैमरामैन तुलसी मेरा नाल, रमनदीप, PTC न्यूज, चंडीगढ़।